तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको बताया था जेपीएससी के पूरे डिटेल सिलेबस एनालाइज के बारे में, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी प्रीवियस ईयर्स के पूरा क्वेश्चन पेपर एनालाइज, यानी कि जितने भी इसमें प्रश्न पत्र होते हैं, किस प्रकार से आपसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज मैं आपको जेपीएससी के पेपर वन का पूरा डिटेल एनालाइज करके बताऊंगी, यानी कि हमारा पेपर वन होता है जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश का, हिंदी में कहीं तो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। यहाँ आपको दिखने को मिल रहा है कि यह टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसे आपको 3 घंटों के समय अंतराल में पूरा करना होता है। इस पेपर को पूरा करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, जैसे पूर्णांक 100 में हिंदी भाग का कुल अंक 50 है एवं अंग्रेजी भाग के 50 अंक है, यानी कि ये दोनों जो पेपर है आपके कुल मिलाकर 100 अंकों का है। अकॉर्डिंग टू दिस, आपका हिंदी सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन दोनों ही 50-50 मार्क्स का होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है, यानी कि आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अवश्य लिखना है। प्रश्नों के मान उपांत पर निर्दिष्ट है, यानी कि कौन सा प्रश्न कितने अंकों का है वो आपको प्रश्नों के सामने ही नजर आ जाएगा। हिंदी के प्रश्नों के उत्तर हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि में, और अंग्रेजी के प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में लिखिए, यानी कि यहाँ पर आपको जो कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी वो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है अपना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अब आते हैं हम हमारे सबसे पहले हिंदी के प्रश्न पर, जो है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 400 शब्दों में निबंध लिखिए, और यह प्रश्न आपका कुल मिलाकर 15 अंकों का है। यहाँ आपको यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जहाँ भी आपको वर्ड लिमिट्स दी गई हो, कोशिश करिए कि आप अपना उत्तर उन्हीं वर्ड लिमिट्स में रखें, ना ही उसे ज़्यादा एक्सीड करें, ना ही कम शब्दों में अपना उत्तर लिखने का प्रयास करें। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिनमें से आपको किसी एक पर, केवल और केवल एक विषय पर 400 शब्दों में निबंध लिखना है। पहला विषय है आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली, दूसरा विषय है भारत पाक संबंध, तीसरा विषय है भारतीय समाज में दहेज उन्मूलन के उपाय, चौथा विषय है यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, और पांचवा विषय है झारखंड राज्य के 16 वर्ष। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों, आपको यहाँ पर 5 सब टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनमें से किसी भी आपकी चॉइस है, आप किसी भी विषय को चुनकर उनमें 400 शब्दों में निबंध लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों ही प्रश्न आपके 5 अंकों के हैं, यानी कि जो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आपका 15 मार्क्स का हो जाता है। इसमें आपके 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है संधि और समास में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए, दूसरा प्रश्न है कारक किसे कहते हैं, इसके भेदों को उदाहरण सहित लिखिए, तीसरा प्रश्न है क्रिया विशेषण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण के साथ बताइए। यानी कि ये तीनों जो आपके प्रश्न हैं, ये आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित हैं, जो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। इसे आपको 5 अंकों का दिमाग में लेकर अपना उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए, यानी कि आपको यहाँ पर भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करी गई है। तो प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 5 अंकों का है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन आपका कुल मिलाकर 10 अंकों का है। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहला प्रश्न है किन्हीं 5 मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए, उठाना रखना, खेत रहना, गूलर का फूल होना, नाच नचाना, 3-13 होना, नाक रगड़ना और गर्दन उठाना। उसी के साथ अगला प्रश्न है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में से किन्हीं 5 को शुद्ध कीजिए, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, उस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, आपका भवदीय, हम तो अवश्य ही जाएंगे,
मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, यानी कि आपको इनमें से किन्हीं 5 सेंटेंसेस को शुद्ध करके लिखना है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण का उपयुक्त शीर्षक देते हुए संक्षेपण कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर एक लॉन्ग पैराग्राफ दिया गया है, एक निबंध दिया गया है जिसे आपको उसका संक्षेपण करना है। जो प्रश्न आपका 10 अंकों का है, तो क्या है आइए देखते हैं। आज आवश्यकता है कि विकलांग व्यक्ति उन महान विकलांग विभूतियों का अनुसरण करे जिन्होंने विकलांगों के लिए सामान्य व्यक्तियों जैसा जीवन जीने का पथ प्रशस्त किया है। ध्यान देना होगा कि कैसे हेसेन कीलर ने नेत्रहीनता, श्रवणहीनता और मूकता को पराजित करके समाज में अपना सम्मानित, प्रेरक और गौरवपूर्ण स्थान बनाया। बालक वीरजानंद ने निर्धनता और नेत्रहीनता के बावजूद किस प्रकार वैदिक ज्ञान को उजागर किया? दोनों पैर कटे रहने पर भी अलेक्सी मरसवेव ने विमान को उड़ाया। जीते जागते प्रमाण के रूप में बाबा आमटे भी हैं, जो स्वयं अस्थि विकलांग होते हुए भी पिछले 35 वर्षों से निरंतर कुष्ठ रोगियों की सेवा कर रहे हैं। सीखना होगा कि विपत्तियों और बाधाओं का सामना कैसे करें और कैसे आगे बढ़ें। किन्हीं संदर्भों में विकलांगता एक मनोभाव है, क्योंकि विकलांग व्यक्ति भी साधारण व्यक्ति की अपेक्षा अधिक योगदान दे सकता है। विकलांगता और बहुविकलांगता चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति द्वारा अपना योगदान देते हुए सम्मान प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, ये आपका पैराग्राफ था जिसे आपको निर्देशानुसार उसे ब्रीफ ले लिखना है। अगली सेक्शन पर आते हैं, हमारा जनरल इंग्लिश का। तो इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपका पेपर 1 कुल मिलाकर 100 अंकों का होता है, जिसमें से हिंदी का सेक्शन आपका 50 अंकों का होता है और साथ ही साथ इंग्लिश का सेक्शन भी आपका 50 अंकों का होता है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अप्रोक्सीमेट लेंथ 400 वर्ड्स, यानी कि आपको किन्हीं एक विषय पर 400 शब्दों का एक एसे लिखना है, जो प्रश्न आपका 15 मार्क्स का है। ऑप्शंस है, द नाइट बिफोर एन एग्जामिनेशन, टूरिज्म इन झारखंड, uses and abuses of internet, an interesting train journey. तो आपको ये 4 टॉपिक्स दिए गए हैं जिनमें से आपको किसी एक टॉपिक पर अपना ऐसे लिखना है। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन सब दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आता है, fill in the blank with appropriate article wherever necessary, यानी कि जो भी आपको आर्टिकल लगता है यहाँ पर आपका आना चाहिए वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, जो आपका 5 अंकों का है। Dash poor peasant set out early one morning to plow, taking with him for his breakfast a piece of bread. He got his plow ready, wrapped dash bread in his coat, put it under dash bush and set to work. After a while, when his horse was tired and he was hungry, the peasant fixed dash plow, let dash horse to graze and went to get his coat and his breakfast. यानी कि यहाँ पर आपको जितने भी ब्लैंक्स दिए गए हैं वहां पर आपको अप्रोप्रिएट आर्टिकल फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, करेक्ट एंड रीराइट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ अ सेंटेंस इज ग्रामेटिकल मेंशन इट, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें आपको करेक्ट करना है, किन्हीं 5 को। पहला सेंटेंस है, माई मदर इज अ गुड कुकर। सेकेंड वन इज, आई डोंट नो टू ड्राइव अ कार। Third one is, he did not know the answer. Next, he know where does his father lives. Next one is, one of my friend is a palmist. Next, he died from cholera. Lastly, there are 20 sheep in the field. तो ये आपको इनमें से कोई से भी, जो भी आपको लगते हैं 5 sentences को करेक्ट करना है अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है। नेक्स्ट आता है,
Use the correct form of each verb given in the bracket. You may include an auxiliary verb along with it. If required, attempt any 5. Pehla hai, Premchand-Many Outstanding Novel. Next is, Amit has been dash in the plant since 2012. Next, the train dash before we reach the station. Next, this work cannot be dash in 2 days. Next, when the principal entered the room, she found Mary dash a novel. Next, Bob dash melodious songs, doesn't he? Next is, we expected him here last night, but he did not dash. अगला प्रश्न आता है, read the given passage carefully and answer the questions that follow. यानी कि ये आपको एक unseen passage provide करवाया गया है. तो passage है, I remember a certain Indian village where I had been invited to visit the home of a family with some modern educations, though not much and some means, though not well. The house was mud-mailed and the roof was of thatch. Inside were several rooms, however, the floor smooth and polished with the usual mixture of cow dung and water. The active master of the house was not the head of the family, but a younger brother. This I discovered when I arrived. For before we entered the house, my host led me to a curious sort of cape standing well above the crown on 4 parts. Inside the cape, made of wire netting, I saw to my amazement an aging man lying on his back, his head supported by a pillow, my eldest brother. My host explained, he has had a stroke of paralysis, and though we beg him to live in the house, he chooses to live out here so that he may be ready to listen to the villagers when they come to him. My host spoke fair English, but the eldest brother spoke none, and we could only exchange greetings and look at each other with friendliness. What I saw was an intelligent, pain-shapen face, whose eyes were at once wise and piercing. The body was quite helpless, but it was absolutely clean, and the cotton garments were snow-white. We exchanged a few remarks, and then a group of villagers approached, not to see me but to talk with the elder brother, and so my host led me into the house to meet his young wife and children. All during my stay, I watched that cage, and seldom indeed did I see it except surrounded by people, and never, as long as daylight lasted, without at least one man sitting on the crown taking earnestly and then listening. My host said, my brother has always been our wise man. Now, he is our saint. My host, I observed, had his own place too. In the village life, for twice while we were eating our lunch that day, he rose from his corner of the room and went out to answer a shout. Apparently from a neighbor, when he came back, he made the same explanation, I was called to kill a dangerous snake. Questions hain aapke? Describe the house visited by the author. Next question hai, why did the host elder brother stay in a cage? Next question is, why was the author unable to talk to the elder brother? D, why was the host called out by the villagers? And E hai, give the meaning of the word. First is amazement and second is aging. सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, मेक अ प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट. यानी कि आपको ये आपका पूरा एक पैराग्राफ है उसको पढ़ना है, उसको ब्रीफ करना है और एक सूटेबल टाइटल देना है. पैराग्राफ है आपका, द लाइफ ऑफ मैरी क्यूरी कंटेन प्रोडिजीज इन सच नंबर्स दैट वन वुड लाइक टू टेल हर स्टोरी लाइक अ लेजेंड. She was a woman. She belonged to an oppressed nation. She was poor. She was beautiful. A powerful vocation summoned from her motherland, Poland, to study in Paris, where she lived years of poverty and solitude. There she met a man who genius was akin to hers. She married him. Their happiness was unique. By the most desperate and avid effort, they discovered a magic element, radium. This discovery not only gave birth to a new science and a new philosophy, it provided mankind with the means of treating a dreadful disease.
At the moment, when the fame of the two scientists and the benefactors was spreading over the world, grief overtook Mary. Her husband, her wonderful companion, was taken from her by death in an instant. But in spite of distress and physical illness, she continued alone the work that had been begun with him and brilliantly developed the science they had created together. तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया पेपर वन यानी कि जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश का आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आता है जेपीएससी के पेपर में। तो अगर आप आगे आने वाले पेपर्स के बारे में भी पूरा डिटेल सिलेबस जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन सभी किताबों को अमेजोन और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं और साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।